आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिसिर YouTube वाला पे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और साथ में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं अपने इस YouTube चैनल को। मतलब तो एक अंदर से बहुत मोटिवेशन सा फील होता है। मैं इसीलिए GS की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो कि आप DSSSB हो गया, सुपर टेट हो गया और भी अदर्स एग्जाम्स हो गए। मैं मतलब एकदम जीरो से हीरो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बेहतरीन स्टार्ट से कंटेंट को ले रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये साइंस का टॉपिक है। मैंने एक वीडियो क्वालिटी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग न्यूट्रिशन, एक नया टॉपिक पोषण, ठीक है, जो साइंस का है, आप एनवायरमेंट भी कह सकते हैं, उसमें भी ये सेक्शन पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से DSSSB में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है पोषण, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर समस्त जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई हम लोग मानव हैं, जी जानवर हैं, जो भी है, इनको ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना ऊर्जा के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते। जिनको वह जो हमको कैसे मिलता है, जो ऊर्जा है कैसे मिलती है उनको, पोषक पदार्थों से, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, हमको एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी कहाँ से मिलती है, पोषक पदार्थों से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत सरल और बहुत आसान भाषा में चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे चीजें, बस ध्यान से आप सुनिए और देखिए। ठीक है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया, जो जो भी पोषक पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं, अंदर अपने हमारे बॉडी में जाता है, तो वो क्या कहलाती है, वो प्रोसेस वह पोषण कहलाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज भाषा में लिखा है मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। तो पोषक पदार्थ देखते हैं, डिवीजन कितने भाग में बटे होते हैं, तो ये दो पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला कार्बनिक होता है, पहला क्या होता है, कार्बनिक, और दूसरा अकार्बनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये दो भागों में बटा है। तो कार्बनिक के अंदर कौन सी चीजें आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है हमारा, फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन आता है, ये संरचनात्मक बॉडी बनाने में मदद करती है, स्ट्रक्चर। ठीक है, विटामिन आते हैं इसमें, कार्बनिक में एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, तो ये चीज नोटिस कर लीजिए, क्या क्या आते हैं कार्बनिक में, कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन आता है, एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, अकार्बनिक में क्या आते हैं, जल आता है और खनिज तत्व। ठीक है, मिनरल्स आते हैं, ठीक, मिनरल रिसोर्सेस। तो ये आप लोगों ने देखा, आप बारी बारी से हम चीजों को पढ़ेंगे, पहले कार्बनिक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कार्बनिक में पहला हमारा टॉपिक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एकदम सरल भाषा में चीजों को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक, पहले कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, यह एक प्रकार का ऊर्जा प्रदायी पदार्थ होता है। ऊर्जा प्रदायी मतलब ऊर्जा देने वाला। ठीक है, यह एक ऊर्जा प्रदायी पदार्थ होता है। जो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, हमारे शरीर का लगभग 70%, जो भी 70% ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो हम किससे पाते हैं, वो हम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही पाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की जो 70% ऊर्जा है वो हम कहाँ से पाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से पाते हैं। ठीक है, एकदम सरल भाषा में चीजों को देखिए, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में CHO, ठीक है, 1:3 में, जैसे 1 ग्राम, 1 ग्राम में हमको कितना मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है, एनर्जी मिलती है। ये नोटिस नोट कर लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलता है। ठीक है, अब विभिन्न कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते क्या है, शर्करा, सेकेराइड्स, ठीक है, सारी सेकेराइड चीजें आती हैं, जो मोनोसेक्राइड में बटा होता है, डाइसेक्राइड होता है और पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोज, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ कौन सा है, तो हमको पूछेगा कोई तो ग्लूकोज है। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज, इसका पुनः पाचन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ग्लैक्टोज। ठीक है, अब आइए ग्लूकोज के बारे में पूछते हैं, पढ़ते हैं हम लोग ग्लूकोज। ठीक है, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जबकि हमने देखा बहुत आसानी से पच जाता है। ठीक है, इसका पुनः पाचन नहीं होता है, मतलब एक बार अगर डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज,
तो हमारे शरीर में इसका पुनः पाचन नहीं होता है, ठीक है, मतलब फिर से डाइजेस्ट नहीं होगा, एक ही बार में जो ऊर्जा मिलनी होगी हमारे शरीर को मिल जाती है, ठीक है। अंगूर में मिठास, जो भी अंगूर में मीठापन होता है ना, वो किसके कारण, वो ग्लूकोज के कारण होता है, ठीक है। अंगूर में मिठास किसके कारण होता है, वो ग्लूकोज के कारण, ठीक है। अब आइए फ्रक्टोज के बारे में देखते हैं, एकदम जीरो से आपको अपर लेवल तक ले जाऊंगा मैं, ठीक है। फ्रक्टोज प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा, नेचुरल में जो सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठा शुगर फ्रक्टोज ही होता है, ठीक है। फ्रक्टोज जिसमें पाया जाए, ये समझ लीजिए कि ये मीठा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। शहद में मिठास का कारण होता है ये, ठीक है। शहद जो सबसे ज्यादा मीठा होता है ना, तो वो किसका किसके कारण होता है, वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है, ठीक है। फलों में मिठास का कारण भी यही होता है, फ्रक्टोज में जो भी फल मीठे होते हैं वो किसके कारण होता है, वो फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा किसको कहते हैं, फ्रक्टोज को, ठीक है। अब आइए ग्लूकोज ग्लैक्टोज को देखते हैं, यह दूध में, ग्लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, यह दूध में पाया जाता है, याद रखिएगा। नोट, कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा सैकरीन होती है, ठीक है। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी ग्लूकोज कौन सी होती है, तो वो सैकरीन होती है, ठीक है। सैकरीन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे छोटी कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली शर्करा, सबसे छोटी इसको सबसे छोटी कृत्रिम रूप में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, सैकरीन नहीं होती है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज, ठीक, प्राकृतिक रूप से पूछे तो फ्रक्टोज, कृत्रिम रूप से पूछे तो सैकरीन, ठीक है। अब आई डाइसैकेराइड के ऊपर चलते हैं तरफ, वो पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा था हमने, ये डाइसैकेराइड पढ़ते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड में क्या कंटेंट होता है, माल्टोज होता है, जो ग्लूकोज, ठीक है, और सुक्रोज होता है, उसके बाद लैक्टोज होता है, किससे मिलकर बना होता है, माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। आइए माल्टोज देखते हैं, पहला है माल्टोज, अनाज में पाई जाने वाली शर्करा, जो भी अनाज में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, माल्टोज, ठीक है। ऐसा शुगर है जो हमारे माल्टोज जो हमारे अनाज में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इन सब चीजों में क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है, ठीक है। गन्ना जो मीठा होता है वो किसके कारण होता है, वो सुक्रोज के कारण होता है, ठीक है। गन्ना का मीठापन सुक्रोज के कारण होता है, ठीक। आइए लैक्टोज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, दूध में मिठास का कारण लैक्टोज होता है, दूध जो मीठा होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। मानव माता के दूध में सर्वाधिक, ठीक है, पाया जाता है, मान जो माँ माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, वो सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। अब आइए पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड में हमारा स्टार्च आता है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ, ठीक है, पौधों में जो भी स्टोर रहता है ना फूड, वो स्टार्च होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन होता है, जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में, ये जंतुओं में एक मतलब भोजन के रूप में स्टोर जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता है, जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में स्टोरेज होता है इसका, एक खाने के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में, ठीक है। काइटिन के बारे में पढ़ते हैं, काइटिन यह कीट के बाह्य कंकाल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, कोई भी कीट हो गए ना, उसका जो बाहरी कंकाल होता है उसके निर्माण में मदद करता है, ठीक है, काइटिन मदद करता है। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कीट के बाह्य कंकाल के निर्माण में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, कौन सा मदद करता है, वो काइटिन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, काइटिन, ठीक। आगे सेलुलोज के बारे में देखते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा सेलुलोज पाई जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेलुलोज। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने एक एक चीजें देखी, अब हम चीजों को फैट के बारे में देखेंगे, वसा के बारे में, ठीक है। ऊर्जा प्रदायी पदार्थ होता है, ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यह वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है, ये जो भी होता है ना, ये फैटी एसिड होते हैं और ग्लाइसरोल होता है, ठीक, ग्लाइसरोल से मिलके वसा बनता है। वसा कैसे बनता है, जो भी फैटी एसिड होते हैं और ग्लाइसरोल मिलके वसा बन जाता है, ठीक है। वसा प्राय जल में घुलनशील नहीं होता है, ये जो फैट होता है ये जल में घुलता नहीं है, ठीक है, कभी भी, ये चीज याद रखिएगा। वसा उष्मारोधी का कार्य करता है, बिल्कुल, मतलब गर्मी को रोकता है, ठीक है, फैट जो है हमारे बॉडी में गर्मी से मतलब आरामदायक होता है गर्मी के लिए, ठीक है। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, जो फैट है एक, इसमें क्या क्या होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन के मिलने से ये फैट बनता है, ठीक है। आइए आप नेक्स्ट देखते हैं, वसा के 1 ग्राम विखंडन से लगभग 9.2 कैलोरी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, मतलब 1 ग्राम
वसा में लगभग कितना मिली थी, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ वसा होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है, तो वसा होगा। ठीक है, मानव सर्वाधिक को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर क्वेश्चन में से पूछता है, यही सब पूछते हैं, आसान आसान सब घूम जाते हैं इसे। ठीक है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये क्या है, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ, अगर सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ पूछे तो वसा, और मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब आइए देखिए, टाइप्स ऑफ फैट दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड फैट होता है अनसेचुरेटेड फैट, जिसको संतृप्त वसा कहते हैं, और असंतृप्त वसा। ठीक है, सेचुरेटेड फैट 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आइए देखते हैं, प्राय जंतुओं से प्राप्त होती है सेचुरेटेड फैट जो है, वो किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे मक्खन, घी, पनीर, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से ही तो प्राप्त होते हैं, तो ये सेचुरेटेड फैट होते हैं। ठीक है, अपवाद मछली का तेल इसमें एक्सेप्शन है। ठीक, एक्सेप्शन है कि मछली का तेल में सेचुरेटेड फैट नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ठोस अवस्था में होता है, सेचुरेटेड फैट कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है। ठीक, अनसेचुरेटेड फैट के बारे में देखते हैं, तरल अवस्था में होती है, लिक्विड के रूप में होता है, प्राय वनस्पतियों से प्राप्त होती है, ये तेल मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक, वनस्पतियों का मतलब है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है अनसेचुरेटेड फैट, किससे प्राप्त होती है, वनस्पतियों से। ठीक है, जैसे सरसों का तेल हो गया भाई, किसे सरसों के पेड़ से होते हैं ना हम लोग पाते हैं, ये पौधे से, तो ये वनस्पतियों से ही तो प्राप्त हो रहा है। ठीक, अपवाद देखते हैं, नारियल का तेल, ये संतृप्त होता है। ठीक है, सेचुरेटेड फैट होता है नारियल का तेल। ठीक, नोट, जंतुओं में मछली का तेल सबसे अच्छा तथा वनस्पतियों में सूरजमुखी का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, जानवरों में लेंगे तो मछली का, और वनस्पतियों में लेंगे तो सूरजमुखी का तेल। ठीक है, वनस्पति तेलों पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके डालडा प्राप्त करने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, ठीक, हाइड्रोजनीकरण एक एनसीईआरटी का टॉपिक है प्यारा सा, जब वनस्पति तेलों पर निकिल निकिल डालते हैं। ठीक है, निकिल के साथ मिलके वो हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराते हैं, उसके बाद हमें डालडा घी मिलती है। ठीक है, डालडा घी जो नहीं होता है वो मिलता है। ठीक है, तो गायब हो गया डालडा घी, देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, H2 गैस फ्लो करती है। ठीक है, और निकिल उत्प्रेरक होता है तो हमें डालडा मिलता है। ठीक, अब आइए कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखते हैं, यह एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड होता है ये। ठीक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में। ठीक, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का कार्य करते नहीं कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पित्त सेल का निर्माण करता है, विटामिन डी के निर्माण में सहायता करता है, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, इसका कोलेस्ट्रॉल के ये सब फंक्शंस हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पित्त रस निर्माण में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल करता है, सेल का निर्माण भी में भी मदद करता है, विटामिन डी के निर्माण में भी मदद करता है, और हार्मोन्स के निर्माण में भी मदद करता है। ठीक, ये कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार का होता है, LDL लो डेंसिटी लिप प्रोटीन। ठीक है, HDL हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो बस ऐसे मैंने कंटेंट अच्छा लगा तो मैंने लिखा, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, LDL लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन, ठीक है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं, हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये यही बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अधिकता से अगर बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ जाता है तो एथीरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो एथीरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, HDL के बारे में देखते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, HDL जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कहा जाता है, इसका बैलेंस 60 mADL होता है। ठीक है, मतलब बैलेंस रहना चाहिए ये। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सबसे बुरा माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन के बारे में देखते हैं, न्यूट्रिशन, ये हमारा प्रोटीन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्बनिक पोषक पदार्थ होता है। ठीक है, ये कार्बनिक होता है, ठीक है, कार्बनिक पोषक पदार्थ होता है, यह मनुष्य के संरचनात्मक क्रियाओं, कोशिकाओं का निर्माण, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का मरम्मत करता है। ठीक है, जैसे कोई हमारी सेल डैमेज हो गई
या को सेल का स्ट्रक्चर मतलब निर्माण उसको बनाने में किसका मदद करता है? प्रोटीन के सहायता से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। ठीक है, इतना आसान और इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं देगा, लगभग आप लोग जैसा देख ही रहे हैं। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, संगठन प्रोटीन, ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें मैंने लिख दी बस ऐसे ही। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है 7%, इस सब में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन में, ऑक्सीजन में 21% से 50 से 54% पाया जाता है, कैल्शियम में, ऑक्सीजन में 21 से 24% पाया जाता है, नाइट्रोजन में 13 से 16% पाया जाता है, और हाइड्रोजन में, ठीक है, 7%। ठीक, प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जिलियस ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीटेट में भी, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उसका बर्जिलियस ने, ठीक है, मोल्डर, बर्जिलियस और मोल्डर ने। कार्य क्या होता है प्रोटीन का, मेन कार्य क्या होता है? यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है, और एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम है? कोशिकाओं की मरम्मत करता है, एंजाइम का निर्माण करता है, और कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रोटीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। एमिनो एसिड के कई अणु आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? जो एमिनो एसिड होता है उसके कई अणु आपस में मिल जाते हैं तो उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता मानव शरीर को, मानव शरीर को कितने प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे 10 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर में पाए जाते हैं। 10 20 20 तरह का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, बॉडी को, बट जिसमें 10 प्रकार के अमीनो एसिड मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में चीजों को मैंने लिखा है, जटिल चीजों को नहीं लिखा है, मतलब एकदम जटिल चीजों को एकदम आसान बना दिया। ठीक है, 10 प्रकार के अमीनो एसिड को हम बाहर से ग्रहण करते हैं, मतलब 10 प्रकार के हमारे बॉडी में पहले से ही रहते हैं और 10 प्रकार हमको हम बाहर से ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जैसे लाइसिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, फोनिलएलानिन हो गया, मेथोनाइज हो गया, ट्रिप्थोनेन हो गया, वेलनाइन हो गया, ब्यूलोसाइन हो गया, ये सब चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें मैंने जान के लिखी हैं। ठीक है, मैं बाकी पीडीएफ डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब वाला सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से कुछ होने वाले रोग के बारे में। क्वासियोरकर एक बीमारी है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटीन की कमी से शरीर की मांसपेशियां छोटी तथा ढीली हो जाती हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां, क्वासियोरकर में क्या होता है? जो भी हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं वो छोटी हो जाती हैं और ढीली हो जाती हैं, मतलब एकदम, ठीक है, ऐसा लगेगा बुढ़ा हो रहे हैं बच्चों में जैसे। ठीक है, बच्चों में पाया जाता है, मैरास्मस होता है प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। ठीक है, मैरास्मस रोग हो जाता है, हाथ पैर बहुत दुबले हो जाते हैं। ठीक है, मैरास्मस में एंटीबॉडी छील हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह से। ठीक, प्रोटीन की अधिकता से रोग, जब प्रोटीन का बहुत ज्यादा लेना भी नुकसानदायक होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, प्रोटीन जब ज्यादा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, हम मोटे हो जाते हैं, ठीक, प्रोटीन की अधिकता से। आइए दाल में देखते हैं चीजों में कैसे कैसे प्रोटीन पाए जाते हैं। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन। ठीक है, अनाजों में ग्लूटेलिन पाया जाता है, अनाजों में क्या पाया जाता है? ग्लूटेलिन। ठीक है, गेहूं में पाया जाता है ग्लाइडिन पाया जाता है, नाखून और बाल में हमारे केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कपास में गैसोपिन पाया जाता है, मक्के में जीन पाया जाता है। ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है? दूध में कैसीन पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों? कैसीन पाया जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में एक्टिन मायोसिन पाया जाता है। ठीक, एक्टिन मायोसिन, अस्थि में आसिन पाया जाता है, ये प्रोटीन है जो कि जहां जहां पाए जाते हैं। ठीक है, उपास्थि में कॉड्रिन नामक विटामिन पाया जा प्रोटीन पाया जाता है, और अस्थि एवं उपास्थि में कोलेजिन पाया जाता है, आंखों में ऑप्सिन पाया जाता है, ऑप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, रुधिर में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड में हमारे जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन नामक, अंडे में एल्बुमिन, एल्बुमिन गर्म करने पर ये पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में पाया जाता है, 43% प्रोटीन पाया जाता है, क्लोरेला 73% लगभग इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अपने, विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक पोषक पदार्थ, ये भी होते हैं कार्बनिक होते हैं,
यह हमारे शरीर को उपाचयी उपाचयी नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, डाइजेशन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। प्रोटीन सबका विटामिन सबका प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, 1911 में विटामिन फंक यूपीटेट के लिए और डी ट्रिपल एसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा इसको। विटामिन सिद्धांत किसने दिया, होपकिंस एंड फंक ने दिया। ठीक है, विटामिन का प्रिंसिपल किसने दिए, होपकिंस और फंक। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन, आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वसा में जो घुलनशील होते हैं वो ए डी ई के होता है। आप कीड़ा नाम से ट्रिक सिखाते हैं आपको, कीड़ा कीड़ा नाम से याद रखिएगा कि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं। जल में कौन सा घुलनशील होता है, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ए, रेटिनॉल, जिसका केमिकल नेम पूछ लेता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विटामिन ए को क्या केमिकल नेम है इसका, रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये किसमें किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है और गोल्डन राइस में। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। ठीक है, इसको संक्रमणी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संक्रमणी विटामिन। विटामिन ए जो है हमारा इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो ये विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होती है, रतौंधी नामक रोग हो जाती है। ठीक है, ये बहुत आसान भाषा में लिखा मैंने, जीरो थैलेमिया जिसको बोलते हैं और रिनोडर्मा बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें बीमारी हो जाती है। ठीक है, नोट आइए देखते हैं, यहाँ कुछ नोट्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। रतौधिक नामक रोग के आंखों की इलाकों कोशिका तथा वर्धाता नामक रोग में आंखों में पाई जाने वाली शंख कोशिका प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पे कौन सा अंग प्रभावित होता है रतौधिक नामक में, इलाकों कोशिका कहते हैं इसको, वर्धाता नामक, ठीक है, रोग में आंखों में पाई जाने वाली शंख कोशिका प्रभावित होती है। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है पूछेगा, तो शंख कोशिका, ठीक, शंख कोशिका और इलाकों। ठीक है, जिरोप्थैलेमिया नामक रोग से, जिरोप्थैलेमिया एक रोग है, इसमें क्या होता है, आंखें शुष्क होकर लाल दिखाई देने लगती है। मतलब आंखें ऐसी लगेंगी कि सूख गई हैं और रेड हो जाता है। कभी कभी देखेंगे ना आपका, किसी किसी की आंखें बहुत रेड दिखाई देती हैं, तो इसको जिरोप्थैलेमिया नामक रोग बोलते हैं। ठीक है, और रिनोडर्मा नामक एक प्रकार का चर्म रोग है। ठीक है, मतलब शरीर में चमड़ियों में होता है ये, जिसमें स्किन शुष्क हो जाती है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ठीक है, सिकुड़ जाती है रेनोडर्मा में। अब आइए विटामिन डी को देखते हैं हम लोग, विटामिन ए को देखा। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, इसमें सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं, एग में पाए जाते हैं, मांस में पाए जाते हैं, सनलाइट में पाए जाते हैं। इसमें इसे हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि हार्मोनल विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को कहते हैं। ठीक है, P+H, यह विटामिन P+H हार्मोन से कुछ समानता प्रकट करता है। ठीक है, यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी के कमी से रोग क्या होते हैं, ये देखते हैं हम लोग। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स, सूखा रोग जिसको कहते हैं, सुखंडी रोग भी कहते हैं, यह बच्चों में होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, ऑस्टो मलेशिया भी हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से ऑस्टो मलेशिया भी रोग हो जाता है। ठीक है, आइए विटामिन डी देखते हैं, इसको टाइकोफेरॉल कहते हैं, इसका केमिकल नेम टाइकोफेरॉल है। सोर्स आइए देखते हैं किसमें यह पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है, सूखे मेवे में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, नारियल के पानी में पाया जाता है, कपास में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक, इतनी चीजों में विटामिन ई पाई जाती है। ठीक है, यह हमारे शरीर के टिश्यू को स्वस्थ रखता है, जो भी टिश्यू ऊतक होते हैं ना हमारे शरीर में, विटामिन ई उसमें उसको मदद करता है। ठीक है, इस विटाम इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई कहते हैं ना कि स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत मदद होता है, हर तेलों में या हर प्रोडक्ट में ई विटामिन ई लगभग पाया जाता है। ठीक है, जो स्किन और इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक, आइए इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता क्या है, ये देखते हैं। इसकी कमी से बांझपन फीमेल में नपुंसकता और मेल, मतलब फीमेल में बांझपन आ जाता है। ठीक, और नपुंसकता मेल में हो जाती है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अब आइए देखते हैं विटामिन के बारे में, जिसका केमिकल नाम है फिनोक्टिनोन निफ्थो। ठीक है, फिनोक्टिनोन निफ्थलीन कहते हैं इसको,
विटामिन के को केमिकल नाम है। ये किसमें पाया जाता है विटामिन के? पत्ता गोभी, ग्रीन वेजिटेबल, सारी सब्जियां जो कि मांस में, एग में, चुकंदर में, इन सब में विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। यह विटामिन रुधिर का स्कंदन में सहायक करता है तथा तत्व कैल्शियम। यह विटामिन रुधिर के स्कंदन में सहायक करता है, ठीक है, और उस जैसे तत्व कैल्शियम हो गया। इस विटामिन का निर्माण हमारी बड़ी आंत के कोलन वाले हिस्से में पाए जाने वाले जीवाणु के द्वारा सीई कोली, ठीक है, सीओली सी कोली किया जाता है। ठीक है, मतलब सीधी से बात आप समझ, सरल समझ भाषा में समझिए, हमारी भाषा में जो ये विटामिन केक है, ठीक है, ये विटामिन के है, इसका निर्माण हमारी बड़ी आंत जो नहीं होती, बड़ी आंत में एक कोलन होता है, ठीक है, कोलन के हिस्से में एक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, ठीक, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक, सीधा बस इतना समझिए, जो कोलाई कहते हैं। ठीक है, नोट, हीमोफिलिया, हीमोफिलिया एक प्रकार की बीमारी है, रोग, आनुवंशिक रोग होता है जिसमें रुधिर का स्कंदन नहीं होता है, मतलब ब्लड नहीं रुकता है। यार सीधी सी बात है, स्कंदन का मतलब ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड लगातार बहते रहता है, जो थक्का जमता नहीं है, तो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। ठीक है, अब आइए बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। जितनी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आती है उसमें N2 नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, आइए इसके सोर्स को देखते हैं। मिल्क हो गया, अनाजों में पाया जाता है, काजू में पाया जाता है, काजू में क्या पाया जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ड्राई फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। ठीक है, ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आइए विटामिन B1 को देखते हैं। विटामिन बी को हम थायमिन, इसका केमिकल नेम है, इसकी कमी के नाम से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तंत्रिका संबंधी विकार हो जाती है, हृदय संबंधी विकार हो जाता है, और अपच और कब्ज होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से। ठीक, विटामिन B2 के बारे में देखते हैं। इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। किलोसिस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, होंठ के किनारे फट जाता है, होंठ फट नहीं जाते हैं, किनारे किनारे ब्लड आने लगते हैं किसी किसी के, तो ये किलोसिस नामक रोग किसमें होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, आइए विटामिन B3 के बारे में देखते हैं। इसको नियासिन बोलते हैं हम, निकोटिनामाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड बोलते हैं। कमी, पेलाग्रा, पेलाग्रा एक प्रकार की चर्म रोग है, ठीक है, जिसको 3D डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, डायरिया और डेमिसिया हो जाती है। ठीक है, विटामिन B5 देखते हैं, पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं, जिसको पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में हमारे बढ़ती है ना, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है विटामिन B5। इसकी कमी से बाल सफेद होना, लकवा तथा पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से बाल सफेद होने लगते हैं, विटामिन B5 कमी से, B5 कमी से, और पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, विटामिन सिक्स के, B6 के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसको पायरीडॉक्सिन बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम पायरीडॉक्सिन, विटामिन B6 का। ठीक है, RBC के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इसके निर्माण में बहुत मदद करता है विटामिन B6। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है आइए देखते हैं। B6 के, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, रक्त अल्पता, जिसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, एनीमिया। आइए विटामिन B7 के बारे में देखते हैं। इसको बायोटिन कहते हैं, जो बाल की मतलब बालों में बहुत मदद करता है। ठीक है, बाल हमारे झड़ने लगते हैं ना, आजकल का सबसे बड़ी समस्या हो गई, लोगों के बाल झड़ने लग रहे हैं कम उम्र में। ठीक है, तो ये विटामिन B7 बायोटिन की कमी से हो रहा है। ठीक है, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, इसका केमिकल के नेम फॉलिक एसिड है। कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है इसको। ठीक है, B9। ठीक, विटामिन B12, विटामिन B12 को रासायनिक नाम क्या है? ग्नाइको बलामिन, इसको क्या कहते हैं? ग्नाइको गाइनेको बलामिन। ठीक है, इस विटामिन में कोबाल्ट नामक तत्व तो पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। ठीक है, B12 में दे, यह विटामिन RBC के परिपक्वन में सहायता प्रदान करती है, RBC को परिपक्व करने में सहायता करता है विटामिन B12। ठीक है, इसकी कमी से रोग परमिसियस एनीमिया होती है, प्राण घातक रक्त अल्पता एक बीमारी होती है, B6 की कमी से हो जाती है। ठीक है, अब आइए विटामिन सी के बारे में देखते हैं दोस्तों।
जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इतना डिटेल में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए इससे, ठीक है। मेरा मकसद बस यही नहीं है कि बस आप यही पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, मैं कह रहा हूँ कि इतना पढ़ लीजिए कि कहीं से कंटेंट आपका छूटे ही ना, क्वेश्चन छूटे ही ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। इसका सोर्स आंवला है, जितनी भी खट्टी चीजें, मिर्च में, संतरा, नींबू, खट्टे फलों में, अमरूद, धनिया आदि में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यह एक ताप संवेदी विटामिन होती है। ताप संवेदी मतलब जो धूप से बचाती है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में इस विटामिन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमारे शरीर के घावों को भरने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन सी जो है यह हमारे शरीर के घावों को बहुत तेज मदद करता है भरने में, ठीक है। यह एक प्रकार का विषाणु रोधी विटामिन होता है, मतलब विटामिन सी जो है जो विषाणु रोधी बीमारी होती है, जो मतलब विषाणु से रोग नहीं होते हैं हमारे शरीर में, उसको रोकता है, ठीक है। विटामिन सी हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में कार्य करता है। हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो नहीं है वो किससे बढ़ता है, विटामिन सी से बढ़ता है, ठीक है। ये विटामिन सी मदद करता है इसमें। सबसे पहला खोजा गया विटामिन था, विटामिन सी है जो सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। हमारे यूरिन में पाया जाना वाला विटामिन होता है, हमारे यूरिन में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है, हमारे यूरिन में, ठीक। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। भाई देखो सीधी सी बात है, इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और मसूड़ों से खून आने लगती है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। चलिए हमने पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया, अब अकार्बनिक पोषक पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अकार्बनिक पोषक पदार्थ में देखते हैं क्या आते हैं। पहला हो गया जल, जिसको हम वाटर कहते हैं। हमारे शरीर का सर्वाधिक भाग लगभग 57 से 65% जल का बना होता है, ठीक है। हमारे शरीर का सर्वाधिक भाग पानी से बना होता है, जो कि 57 से 65% होता है, ठीक है। जल से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, जो जल है ना इससे हमें किसी की कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। जल एक प्रकार का सर्वोत्तम विलायक होता है, सर्वोत्तम विलायक होता है ये। यह हमारे जीव द्रव्य का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है, बिल्कुल भाई, इसके बिना जीवन ही नहीं संभव है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से सर्वाधिक होता है, इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से सर्वाधिक होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, एक विशिष्ट ऊष्मा होती है इसकी, ठीक है। हमारे शरीर से अधिक मात्रा में जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण पूछ सकते हैं आपसे, निर्जलीकरण क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि जब सबसे हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल निकलता है तो निर्जलीकरण होता है, ठीक है, जब हमारा स्वेटिंग होती है, ठीक, सबसे ज्यादा, ठीक। आइए दूसरा है इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पोषक पदार्थ, खनिज तत्व, ठीक है, मिनरल रिसोर्स, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम होता है अस्थि के निर्माण में, जो कैल्शियम होता है हमारे अस्थि हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, दांतों के निर्माण में मदद करता है, रुधिर के रोकने में मदद करता है, ठीक है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक है। भाई कैल्शियम मिल जाता है, फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर ये क्या करता है, दांतों के निर्माण में सहायक करता है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए, ठीक है, के निर्माण में सहायक करता है। डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक करता है, ठीक है, फास्फोरस। अम्ल क्षार नियंत्रण में सहायक रहता है, जब बहुत ज्यादा एसिड बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो उसको नियंत्रण में मदद करता है फास्फोरस, ठीक है। आइए सल्फर देखते हैं, ये सब मिनरल खनिज तत्व तो ही है, ठीक है। यह कुछ अमीनो अम्ल के निर्माण में, अमीनो एसिड के, बस इतना याद रखिए, अमीनो एसिड के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। यह कुछ हार्मोन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, सल्फर जो है यह कुछ हार्मोन है उनके निर्माण में मदद करता है, ठीक है। आइए पोटेशियम के बारे में देखते हैं, हृदय धड़कनों को नियंत्रण में भूमिका निभाता है। भाई पोटेशियम बहुत हमारे जो मतलब रक्त पंप करता है ना हृदय, हमारा दिल, ठीक, धक 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 करता है, उनको नियंत्रण करने में बहुत मदद करता है। तो पोटेशियम को अपने शरीर में हमें हमेशा मेंटेन करने की जरूरत होती है, यह भी अम्ल क्षार नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। क्लोरीन के बारे में देखते हैं हम लोग दोस्तों, यह जठर रस के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। यह क्लोरीन क्या करता है, जठर रस के निर्माण में सहायक करता है, ठीक है। यह भी अम्ल क्षार नियंत्रण के रूप में सहायक करता है, ठीक है। अब आइए सोडियम के बारे में देखते हैं, अम्ल क्षार नियंत्रण में यह भी मदद करता है, हमारे बीपी को नियंत्रित, भाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है सोडियम, ठीक है। नमक जो है आप थोड़ा सा बहुत सही क्वांटिटी में लिया करिए, ठीक है।
ये क्या करता है, हमारे शरीर के बीपी को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं दोस्तों, या वृक्क किडनी में पथरी बनने से रोकता है भाई। मैग्नीशियम जिनको पथरी हो जाती है ना, स्टोन कहते हैं जिसको, तो ये मैग्नीशियम जो है ऐसा खनिज पदार्थ है जो हमारे मतलब पथरी बनने से रोकता है, ठीक है। यह ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में मदद करता है भाई, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में मदद करता है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो आइए मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं, यह वृक्क किडनी में पथरी बनने से रोकता है जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, यह ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में मदद भी करता है, ठीक है। अब आयरन के बारे में देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है इसकी। हीमोग्लोबिन के नियंत्रण में मदद करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक करता है भाई, आयरन के वजह से ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। अब आइए फ्लोरीन के बारे में देखते हैं, यह हमारे हड्डियों तथा दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। फ्लोरीन जो है हमारे हड्डियों तथा दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में फ्लोरिस नामक खनिज तत्व तो बढ़ जाता है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये देखिए फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट देखते हैं, आयोडीन की कमी से यह तत्व थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स के निर्माण में, थायरोक्सिन एक नामक हार्मोन्स के निर्माण, एक हार्मोनल है, हार्मोन्स है थायरोक्सिन, उसके निर्माण में बहुत मदद करता है, ठीक है। आयोडीन B12 कोबाल्ट, B12 के निर्माण में मदद करता है। कोबाल्ट क्या है, B12 के निर्माण में मदद करता है, ठीक है, B12 विटामिन। क्रोमियम यह ग्लूकोज के उपापचय में महत्वपूर्ण, इंसुलिन के निर्माण में भी सहायक करता है, ठीक है, इंसुलिन के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक न्यूट्रिशन जो कि एक वाइड चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, बड़ा टॉपिक था, बट इसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन सब चीजों को हमने कवर किया है और बहुत डिटेल में कवर किया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है DPPLSB, सुपर टेट या किसी भी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन हमने प्रिपेयर किया है चीजों को और टोटली NCERT बेस्ड चीजों को मैंने लिया है, तो यहाँ से जरूर मदद मिलेगी। और ऐसे ही आप मोटिवेशन देते रहिए और चैनल को ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है जब आप लोग मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो एक मोटिवेशन फील होता है। और आपको ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा दोस्तों। तो GS की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पॉलिटी की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और ये EVS का टॉपिक है एक, न्यूट्रिशन, जो कि साइंस का टॉपिक ही है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर लिया। एक बहुत बेहद आसान और बेहद सरल भाषा में मैं चीजों को कंप्लीट करा रहा हूँ, मतलब घुमाने की कोशिश नहीं है, सीधा आप चीजों को समझिए, मतलब आप पढ़ेंगे एक बार तो भी समझ में आएगा। बाकी इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दूंगा, यूट्यूब वाला, शिशिर यूट्यूब वाला है, आप सर्च करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके सामने एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए अपने इसी YouTube चैनल, शिशिर YouTube वाला चैनल पे दोस्तों। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मतलब, एक अंदर से गुड वाली फील आती है, ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।